पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं जब हम एलआरडीए सेक्शन को अपियर करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलआरडीए सेक्शन को इम्प्रूव कैसे करना है। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ पॉइंटर्स को ध्यान रखने पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें पहली चीज़ ये है कि हम एक स्मार्ट सिलेक्शन करें क्वेश्चंस का। अब ये कैसे होगा कि हम क्वेश्चन को स्मार्टली सेलेक्ट कैसे करें, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने वाले मिलने वाले हैं और इनमें इन तरीके की चीजें गिवन होंगी और ये चीजें ढूंढनी होगी। तो आपको प्रैक्टिस ही ये चीज बता सकती है कि आपको क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो सेलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कीपिंग थिंग्स इन माइंड। अगर हम बार बार इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं, बार बार इन्फॉर्मेशन को रीड करना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको काफी टाइम वेस्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कोशिश करिए, आप किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को एक पिक्टोरियल फॉर्म में, किसी कोड लैंग्वेज के फॉर्म में पेपर पर लिख लेना, ताकि आपको बार बार रीड ना करना पड़े। इफ यू आर गोइंग टू रीड थिंग्स अगेन एंड अगेन, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। नेक्स्ट, इफ यू आर नोटिंग डाउन द थिंग्स, तो आपको चीजों को क्लीन नोट करना है, एक नीट एंड क्लीन नोट बनाना है वहां पे। इससे फायदा क्या होगा, आप दोबारा जब रीड करोगे उसको, जब समझने जाओगे, तो आप अटकोगे नहीं चीजों को लेके। इसलिए आपको एक नीट एंड क्लीन नोट क्रिएट करना है वहां पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे है एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। यानी जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जब रीड कर रहे हो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो आपको उनको प्रॉपरली एनालाइज करना है। क्या वहां पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या आप उसे प्रॉपरली समझ पा रहे हो? जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने उसे प्रॉपरली रीड किया, प्रॉपरली इंटरप्रेट किया गया? अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं चीजों को गलत ले जाओगे, गलत तरीके से सॉल्व करोगे। एंड साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके का अजम्पशन नहीं लगाना है कि हाँ शायद ये चीज ऐसे होगी। अगर आप वहां पे अजम्पशन अप्लाई करते हो तो चीजें गलत वे में जा सकती हैं। आपको स्टिक करना है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट अपियर करने चाहिए। यस, आप अगर टेस्ट देने से बचते हो, अवॉइड करते हो चीजों को, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपियर करने चाहिए, क्योंकि इससे फायदा आपके होने वाला है। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देख पाओगे, आपको उनको सॉल्व करने का मौका मिलने वाला है। सो दैट इज वाई यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो डीएलआर सेक्शन को। आई विल रिपीट द पॉइंटर्स। द पॉइंटर नंबर वन, सेलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड, कीप द थिंग्स इन माइंड एंड एज वेल एज कीप द थिंग्स नीट एंड क्लीन व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स। नेक्स्ट, एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड डू नॉट अज्यूम एनीथिंग। एंड लास्टली, प्रैक्टिस एज मेनी मॉक्स एज यू कैन। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।